हेलो। हाँ जी, चलिए जी, तो शेयर कैपिटल देखते हैं। बैलेंस शीट में कैसे हम इसको शेयर कैपिटल को शो करते हैं, मतलब कंपनीज की बैलेंस शीट बेसिकली। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा रहता है कि भाई कैसे इसको शो करना है। देखते हैं, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। पहले देखते हैं कि शेयर कैपिटल, पहले बैलेंस शीट के बारे में कुछ जानते हैं। देखो, कंपनीज एक्ट 2013, हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें क्योंकि शेयर कैपिटल ऑब्वियसली कंपनीज के लिए होगी। तो कंपनीज के ऊपर एक लॉ लगता है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। आप सबको बताए कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है। देर आर 470 सेक्शन अलॉन्ग विद रूल्स, और कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स हैं। कंपनीज एक्ट का एक बैकग्राउंड अगर आप लोगे, कंपनी लॉ का बैकग्राउंड लोगे, तो उसमें कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है, कुछ रूल्स हैं और 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में से एक शेड्यूल है शेड्यूल 3। उस शेड्यूल के अंदर गिवन है फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करेगी। शेड्यूल 3 में गिवन है फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, शेड्यूल 3 में फर्दर हमारे पास दो डिवीजन है, डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। डिवीजन 1 इज फॉर दोज कंपनी व्हिच आर फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड डिवीजन 1 इज फॉर दोज कंपनी व्हिच आर फॉलोइंग इंड एएस। सर, ये इंड एएस क्या है? इंड एएस आर द ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बाकी आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे तो आप समझो कि भाई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं और एक होते हैं इंड एएस। इंड एएस IFRS टाइप कुछ आप उससे समझ सकते हो। ठीक है, तो जो भी कंपनी एएस फॉलो कर रही है तो उनके लिए शेड्यूल 3 डिवीजन 1 में फॉर्मेट गिवन है, और जो कंपनी इंड एएस फॉलो करती है उनका शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में फॉर्मेट गिवन है। तो हमारे लिए अभी क्या रेलेवेंट है? डिवीजन 1 एएस बेस्ड कंपनीज, इनका पार्ट ए बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है और पार्ट बी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट देता है। पार्ट ए बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है, पार्ट बी स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट देता है। ओके, तो पार्ट ए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन, ये फॉर्मेट है। सबसे पहला आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 पार्ट्स आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर सेकंड आइटम आती है आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड आती है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके पास आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। देन यू हैव करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहला आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर आएगा इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, और आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और अदर नॉन करंट एसेट्स। देन यू हैव करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट। अभी के लिए आपके लिए पूरी बैलेंस शीट रेलेवेंट नहीं है, पूरी बैलेंस शीट रेलेवेंट होगी इंटरमीडिएट में। स्टार्टिंग हम इसी से ही करेंगे बैलेंस शीट से। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए जो रेलेवेंट है वो कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये। और दूसरा, अगर डिबेंचर का क्वेश्चन आता है तो डिबेंचर वगैरह आप नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शो करते हो। ध्यान रखना, डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हेड में शो होते हैं। एसेट्स में आपके पास अगर मान लो कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर इशू हो रहे हैं तो आपके लिए नॉन करंट एसेट्स में पीपी वगैरह रेलेवेंट हो सकता है, और करंट एसेट्स में आपके पास पैसा आता है शेयर इशू करके तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रेलेवेंट हो सकता है। फिर आपको बनाने पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हो? एक आता है आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि मैक्सिमम कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को ऑफर कर दिया है फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर्स, पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब कर लिए। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में आएगा कि कंपनी ने कितने पैसे मांगे और कितने पैसे आ गए। जैसे मान लो डैश शेयर ऑफ 10 ईच, ये कॉल्ड अप कैपिटल है, 8 रुपए पेड अप, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल है। उसमें से कॉल सी नीरियस माइनस कर दिया, नहीं आया, और फोरफिटेड शेयर वो है जिसके शेयर तो कैंसिल हो गए लेकिन कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया, तो ये टोटल आपकी क्या बनती है? पेड अप कैपिटल। इसको आप अपनी बैलेंस शीट में शो करते हो। मतलब यहां पर जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा ना, वो कौन सा आता है? हमेशा पेड अप कैपिटल वाला अमाउंट आता है। कौन सा आता है? हमेशा पेड अप कैपिटल वाला अमाउंट आता है। ठीक, और एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व है वो आ जाएगा, ज्यादातर यही चीज आपके पास होंगी। नाउ अब कुछ केसेस देखते हैं और अकॉर्डिंगली हम शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको नोट्स का अमाउंट बताऊंगा। ठीक है, देखो पहला केस क्या है, फिर एक क्वेश्चन भी देखेंगे। व्हेन शेयर होल्डर
डिफॉल्ट्स इन कॉल मनी एंड शेयर्स आर नॉट फॉरफिटेड, ठीक है, शेयर होल्डर ने कॉल मनी नहीं दी और शेयर अभी फॉरफिट नहीं हुए तो कैसे आप प्रेजेंट करोगे? जैसे ऑथराइज कैपिटल है 100,000 शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल में 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच है, मिस्टर एक्स के पास 5,000 शेयर है, उसने 2 रुपए की कॉल मनी नहीं दी, तो आप कैसे दिखाओगे? नोट्स और अकाउंट्स में आप ऑथराइज कैपिटल दिखाओगे 1,00,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 10,00,000 रुपए, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में आप दिखाओगे 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ये इशूड एंड सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप में आप दिखाओगे 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच 90,000, इसमें से कॉल सी नीरियस लेस करोगे, कॉल सी नीरियस कैसे होंगे, 5,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए तो 10,000 नहीं आए, तो पेड अप कैपिटल इज 8,90,000, दिस इज योर पेड अप कैपिटल। ये कौन सा केस है कि कॉल सी नीरियस है और शेयर अभी फॉरफिट नहीं हुए। नेक्स्ट, व्हेन शेयर होल्डर डिफॉल्ट, अगला केस, शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया और उसके शेयर फॉरफिट हो गए। सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लो शेयर फॉरफिट हो जाते, शेयर क्या हो जाते, फॉरफिट हो जाते, अब क्या होता, ऑथराइज कैपिटल सेम, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल सेम, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में क्या होता है, देखो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में कितने शेयर्स आपके पास अवेलेबल है, 90,000 शेयर थे उसमें से 5,000 शेयर आपने कैंसिल कर दिए, तो आपके पास यहां पर कितने शेयर अवेलेबल है, 85,000। ये शेयर्स हमेशा कौन से होंगे, जितने शेयर्स कंपनी के पास अवेलेबल है, जितने शेयर कंपनी के पास अवेलेबल है, 90 में से 5 तो कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, फॉरफिट करने का मतलब क्या हुआ, कैंसिल कर दिया, तो 85,000 शेयर ऑफ 10 ईच। अब जो अमाउंट फॉरफिट हुआ था वो शेयर कैपिटल में ही ऐड हो जाता है क्योंकि वो रीसेल होगा, तो 5,000 शेयर पे कंपनी ने 8 रुपए फॉरफिट कर लिए थे, 2 रुपए की कॉल नहीं आई थी तो 8 रुपए कंपनी ने फॉरफिट करे तो 40,000 फॉरफिट कर लिए, तो बैलेंस कितना आ गया, 890। कॉरेस्पॉन्डिंग ये अमाउंट आपका कहां आ रहा होगा, बैंक बैलेंस में आ रहा होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अगला केस देखते हैं, यहां पर क्या होता है, शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया, शेयर फॉरफिट हो गए और फिर री इशू भी हो गए, फिर क्या हो गए, री इशू भी हो गए, तो इन द सेम एग्जांपल लेते हैं, एक्स शेयर फॉरफिट हो गए एंड री इशू टू वाई एट 8 per share फुली पेड अप, मतलब जो 5,000 शेयर थे ना वो 8 रुपए के हिसाब से हमने किसी वाई को इशू कर दिए। नाउ शेयर कैपिटल में ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब सेम है, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, जितने शेयर कंपनी के पास है, देखो कितने थे, 90 थे, 90 में से 5 क्या हुए, फॉरफिट हुए, फिर 5 री इशू भी तो हो गए, तो अगेन 90 शेयर्स हो गए कंपनी के पास, तो 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच। अब कोई फॉरफिटेड बैलेंस बचा नहीं सर, री इशू हो गए तो कोई फॉरफिटेड बैलेंस बचा ही नहीं, क्या कोई कॉल सी नीरियस बचा, नहीं बचा, तो पूरा 9,00,000 आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आप क्या दिखाओगे, कैपिटल रिजर्व दिखाओगे, कैपिटल रिजर्व कितना दिखाओगे, आपने फॉरफिट किया था 8 रुपए, लॉस एंड इशू है 2 रुपए, तो 6 रुपए का आपको कंपनी को नेट फायदा हो गया, तो 6 × 5,000 30,000 का कैपिटल रिजर्व शो होगा। क्लियर, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में व्हेन शेयर होल्डर डिफॉल्ट्स एंड शेयर वर फॉरफिटेड ओनली पार्ट ऑफ द शेयर वर इशू, वो कह रहा है पूरे शेयर इशू नहीं करे, कुछ पार्ट ही रीइशू किया। नाउ इन द अबव एग्जांपल एक्स के पास जो 5,000 शेयर थे, एक्स फेल टू पे द कॉल मनी एट 2 per share, शेयर्स फॉरफिट हो गए, लेकिन इसमें से सिर्फ 4,000 शेयर ही रीइशू हुए टू वाई एट 12 per share, 12 रुपए के हिसाब से फुली पेड, 10 का शेयर 12 में रीइशू हो गया लेकिन सारे नहीं हुए, 4,000 ही शेयर इशू हुए। नाउ नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब सेम, कॉल्ड अप एंड पेड अप, अब देखो कंपनी के पास कितने शेयर अवेलेबल हैं, 90 में से 5,000 फॉरफिट करे, 4,000 रीइशू करे, तो टोटल कितने शेयर हो गए, 89,000 शेयर हो गए, तो 89,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 890। अब इसमें कोई फॉरफिटेड बैलेंस बचा है, यस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो 1,000 शेयर रीइशू हुए उस पे कंपनी ने 8 रुपए फॉरफिट कर रखे थे, तो 1,000 × 8 तो 8 रुपए का फॉरफिटेड बैलेंस है, तो पेड अप कैपिटल विल बी 898। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, देखो 4,000 शेयर्स पे, 4,000 शेयर्स पे कितना आएगा, 4,000 शेयर्स पे 8 रुपए फॉरफिट हो गया था, डिस्काउंट ऑन रीइशू तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा 8 रुपए कैपिटल रिजर्व आएगा। सर डिस्काउंट ऑन रीइशू क्यों नहीं है, क्योंकि शेयर्स रीइशू भी प्रीमियम पे हुए हैं, तो कोई डिस्काउंट ऑन रीइशू तो है ही नहीं, तो 4,000 × 8 32,000 का आपका कैपिटल रिजर्व, और जो रीइशू हुए थे शेयर्स उस पे 2 रुपए का फालतू प्रीमियम आ रखा था, तो 4 × 2 8,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर, बोलो यस और नो। नेक्स्ट, अगर मान लो कॉल्स इन एडवांस का केस है,
कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कि कंपनी के पास पहले ही कॉल आ जाती है। अब कॉल्स इन एडवांस, जैसे कॉल्स इन एडवांस तो लेस हो जाता है, कॉल्स इन एडवांस ऐड नहीं होता, वो अलग से कंपनी क्या करती है अपनी लायबिलिटी में दिखाती है, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखना 90,000 शेयर थे, ₹10 ईच, अच्छा इसमें हमें करने की जरूरत नहीं, मैं इसी में करा दूंगा क्वेश्चन। 90,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, मिस्टर एक्स होल्डिंग 5,000 शेयर पेड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। वो कह रहे हैं मिस्टर एक्स के पास 5,000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी कॉल्स इन एडवांस। वाई होल्डिंग 2,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एट 2 पर शेयर। ठीक है, वो कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल, एक वाई था 2,000 शेयर थे उसके पास, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और एक एक्स था जिसका 5,000 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी। अब शेयर कैपिटल में इशूड सब्सक्राइब वगैरह सेम, कॉल्ड अप एंड पेड अप में देखो शेयर कितने हैं कंपनी के पास, पूरे 90,000, कोई भी फोरफिट वगैरह री इशू तो हुए नहीं है, तो 90,000 10 ईच, 8 पेड अप, 720। लेस करो कॉल सीन एरियस, कॉल सीन एरियस लेस करो, कॉल सीन एरियस में क्या आएगा, 2,000 शेयर पे 2 नहीं आए थे, तो 4,000 पे लेस करा तो 716,000 की पेड अप कैपिटल है। नाउ अदर करंट लायबिलिटी में कॉल सीन एडवांस आएगा, कॉल सीन एडवांस में क्या आएगा, 5,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल आ गई थी, तो 5,000 × 2 10,000 रुपए का कॉल सीन एडवांस है, वो आप अदर करंट लायबिलिटी में अलग से शो करोगे। क्लियर, ये एक मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में, अपनी रेगुलर क्लास में, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं यहां पर, सही है एग्जांपल, ये सब कुछ कवर है इसके अंदर। अब पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच, कंपनी इशूड 9,50,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 930 शेयर्स। ठीक है जी, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, कंपनी प्रोसीड द अलॉटमेंट, जैसे आपको पता है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मिनिमम 90% एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, तो 90% आ गई है, 930 डिवाइडेड बाय 950 कितना परसेंट बैठ रहा है, 97% बैठ रहे, तो आ गई है। शेयर्स वर ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, अभी 8 ही कॉल्ड अप है, ओके, मिस्टर ए होल्डिंग 2000 शेयर्स पेड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। एक पर्सन था मिस्टर ए जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी, कॉल सीन एडवांस अलग से अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। बी जिसके पास 3000 शेयर थे, ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, और इसके शेयर फोरफिट भी हो गए, ठीक है 3000 शेयर, 2500 रीइशू हो गए टू मिस्टर जो भी है सी एट 11 पर शेयर फुली पेड अप। मिस्टर सी होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर नॉट फोरफिटेड, सी के शेयर फोरफिट नहीं हुए, कंपनी ऑल्सो इशूड 50,000 शेयर फुली पेड टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ अ मशीनरी ऑफ ₹5 lakh। ठीक है, वो कह रहा 5 lakh की मशीनरी खरीदी, उसके बदले में कंपनी ने 50,000 शेयर अलग से अपने वेंडर को इशू कर दिए। प्रिपेयर बैलेंस शीट आपको बनानी है। अब बैलेंस शीट में आपके लिए कौन कौन से हेड रेलिवेंट है, बैलेंस शीट में आपके लिए जो हेड रेलिवेंट है बैलेंस शीट में जो आपके लिए अभी हेड रेलिवेंट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस आएगा आपका, अच्छा नोट नंबर देने होते हैं, नॉन करंट एसेट में क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है तो पीपीई आएगा, और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। सबके नोट देखते हैं, शेयर कैपिटल का नोट देखते हैं सबसे पहले, शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल 10 lakh शेयर ऑफ 10 ईच, 1 crore रुपए की ऑथराइज कैपिटल आ गई। इशूड कैपिटल 10 lakh शेयर ऑफ 10 ईच, अब वो कह रहा है इसमें से 50,000 शेयर हमने वेंडर को इशू कर दिए फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, तो आउट ऑफ विच 50,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपको फैक्ट मेंशन करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। सब्सक्राइब कैपिटल 980 10 ईच, आउट ऑफ विच 50,000 शेयर हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, अब देखो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में ये 980 आई थिंक गलत लिखा हुआ शायद, 930 था ना, यहां एक तो 950 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, 950 आएगा और यहां आएगा 930, मॉडिफाई कर लेना इसे। ठीक है, अब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, जो 50,000 शेयर 10 ईच है वो तो अलग से आएंगे, अब जो 930 शेयर थे उसका क्या स्टेटस है, आप देखो 930 में से
जो बी के शेयर्स थे, बी के 3000 शेयर थे वो फोरफिट हो गए थे, तो 3000 माइनस कर दो और उसमें से 2500 रीशो हो गए तो 2500 ऐड कर दो, 929,500। उसके बाद कोई और फोरफिट हुए? नहीं सर। सी के जो 1000 शेयर थे वो फोरफिट हुए ही नहीं थे, तो 9,29,500 शेयर कंपनी के पास है। तो देखो 9,29,500 आ रहा है, यस 9,29,500। ये कैसा आया? ये आया 930 शेयर्स थे, इसमें से 3000 फोरफिट हो गए और 2500 रीइशू हो गए, तो 9,29,500 शेयर ऑफ 10 ईच 8 पेड अप, ये अमाउंट आ गया। कॉल सिनेरियस, कॉल सिनेरियस लेस करोगे कौन से वाले जो फोरफिट नहीं हुए थे उनके कॉल सिनेरियस, 1000 शेयर जो फोरफिट नहीं हुए थे उसके कॉल सिनेरियस 2 रुपए के हिसाब से, 1000 × 2 लेस करो। फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड कौन से वाले करोगे जो रीइशू नहीं हुए उनका फोरफिटेड बैलेंस, देखो 3000 में से 2500 रीशो हो गए तो 500 बच गए, तो 500 पे कितने फोरफिट कर लिए थे कंपनी ने? फर्स्ट कॉल नहीं आई थी तो बाकी सब कुछ आ गया था, तो 8 में से 2 नहीं आए, 6 आ गया था तो 6 फोरफिट कर लिए, तो 500 × 6 फोरफिटेड बैलेंस, तो ये ऐड करके आपका पेड अप कैपिटल का अमाउंट आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा आपके पास? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? जो 2500 शेयर इशू हुए थे ना वो 11 के हिसाब से हुए थे, तो 2500 × 1 2500 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। और कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? जो 2500 शेयर इशू हुए थे उस पर फोरफिट हुआ था 6 रुपए, लॉस ऑन रीइशू कुछ है ही नहीं क्योंकि सारे प्रीमियम पे रीइशू हुए थे, तो 0, तो 15000 रुपए का आपका क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व आ गया, ये शो कर दिया आपने। अदर करंट लायबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस आएगा, कॉल्स इन एडवांस कितना था? 2000 शेयर पे फाइनल कॉल 2 रुपए पहले ही आ गई थी, तो वो कॉल्स इन एडवांस है, तो वो अदर करंट लायबिलिटी में अलग से शो होगा, 2000 × 2। बच्चे गलती क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एडवांस माइनस तो करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस भी उसमें ऐड कर देते हैं, बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी उससे, लेकिन सही नहीं है ना वो, कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी में अलग से शो होता है, कॉल्स इन एडवांस आ गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपकी जो मशीनरी खरीदी थी वो आ गया, और बाकी जो बैलेंस बचा वो आपका बैंक में आ जाएगा। बैंक में कितना आएगा? पेड अप कैपिटल प्लस ये रिजर्व का पैसा प्लस कॉल्स इन एडवांस 4000 रुपए। तो ये आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन है शेयर्स का। अब एक बार मैं देख लेता हूं आरटीबी का क्वेश्चन कैसा है शेयर्स का, अगर कुछ लगेगा करने वाला तो कर लेंगे, अल्स पढ़ के छोड़ देते हैं। ये रहा शेयर्स का क्वेश्चन। लक्ष्मण प्रसाद लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹8 lakh डिवाइडेड इनटू 8000 शेयर ऑफ 100 ईच, इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 4000 शेयर्स, इसकी अपना ऑथराइज कैपिटल है, 4000 शेयर उसने इशू करे हैं, पेबल एट 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो होता है ना बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होता है, अभी कंपनी ने मंगाया नहीं है शेयर, हमारा पार्टली पेड है, कितना पेड है? ये हो जाएगा आपका 3,556, 75 पेड। एप्लीकेशन मनी ऑन 4000 शेयर वर ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू देम, एप्लीकेशन मनी आई, अलॉटमेंट भी होगी, अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल, बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे अमाउंट ऑन 400 शेयर हेल्ड बाय देम एंड अनदर शेयर होल्डर विद 200 शेयर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। ओके, वो कह रहा है एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और एक शेयर होल्डर ने क्या करा, पूरा का पूरा अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। मैं ये एक ही एंट्री डाल के दिखाता हूं आपको, द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, गिव द एंट्री इन द बुक्स टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जब कॉल रिसीव होगी, जब कॉल रिसीव होगी तो उसकी एंट्री बताओ क्या होगी, कॉल रिसीव करने की बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स जो नहीं आया वो भी डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नाउ कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा? अच्छा, कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? कॉल्स इन एरियर्स में आएगा 400 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई, फर्स्ट कॉल कितने की थी? 20 रुपए की थी, तो 400 × 20 कर दूं यहां पर। फर्स्ट कॉल थी कितने की? फर्स्ट कॉल थी आपकी 4000 शेयर पे 20 रुपए की, तो 4000 × 20, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस कितना है? 200 शेयर पर हमारा जो फाइनल कॉल था, फाइनल कॉल 25 रुपए की थी, 75 पेड अप था, तो फाइनल कॉल 25 की थी, तो 200 × 25 के पहले ही आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ बैंक में कितना अमाउंट होगा? देखो
4000 शेयर थे, 4000 में से 400 पे कॉल्स नहीं आई, तो मैं कह सकता हूं 3600 पे 20 रुपए आ गए, प्लस ये जो कॉल्स इन एडवांस है 200 × 25 5000, ये 5000, तो यानी कि बैंक में कितना बैलेंस आया 3600 × 20 प्लस 5000 77000, ये आएगा आपका 8000, ये आएगा 80000 और ये आएगा आपका 5000, ठीक है। ये एंट्री होगी आपकी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कॉल। टैली करें एक बार, टैली करें, लो जी मैच हो गया। चलो तो ये हमारा शेयर्स का क्वेश्चन था। मैंने शेयर पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कराया, इसमें जो मेन था ना प्रेजेंटेशन और बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल वगैरह बैलेंस शीट बनाना, वहां बच्चे थोड़ा अटकते हैं, तो वो मैंने आपको सिखा दिया, उसको आप देख लेना, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।